स्टार्ट। हेलो ऑल, लास्ट वीडियो में मैंने देखा था कि एडवांस जावा लैब का मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे दिया था। अब हमारे इस लैब का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है विद अ स्विंग, जावा स्विंग। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय जावा स्विंग। तो इट इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टूलकिट। तो जावा ने एक टूलकिट प्रोवाइड करी है जो GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाने के काम आती है, उसको हम बोलते हैं जावा स्विंग। इट इज अ पार्ट ऑफ जावा फाउंडेशन क्लासेस विच इज एन API फॉर जावा प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स GUI। ये जावा फाउंडेशन क्लास की लाइब्रेरी में स्टोर रहती है एंड दे प्रोवाइड द GUI इंटरफेस। स्विंग लाइब्रेरी इज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ AWT किट। सबसे पहले इनिशियली एक ओल्डर वर्जन था दैट इज नोन एज AWT किट एब्स्ट्रैक्ट विजिट टूल किट। इस टूल किट के थ्रू भी हम GUI फॉर्म करते थे, लेकिन फिर थोड़ा थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ एंड देन इट बिकम्स जावा स्विंग। तो जो लाइब्रेरी है जावा स्विंग की वो AWT किट के ही कुछ मॉडिफिकेशन के साथ में बनी हुई है। यू कैन यूज द जावा GUI कंपोनेंट्स लाइक टेक्स्ट बॉक्स, बटन्स। हम जितने भी वेब पेज पे कंपोनेंट्स देखते हैं, वेदर दे आर टेबल, वेदर दे आर बटन्स और चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स एक्सेट्रा, वो सारे कंपोनेंट्स इस जावा GUI में आते हैं। यू डू नॉट हैव टू क्रिएट द कंपोनेंट्स फ्रॉम स्क्रैच। आपको स्टार्टिंग से इसकी प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दे हैव सम ऑलरेडी प्री डिफाइंड सिंटैक्स। नाउ वी विल मूव ऑन टू जावा स्विंग क्लास हायरार्की। इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक इंटरफेस बनाने के लिए वी नीड सम प्लेटफॉर्म और कोई एक चीज चाहिए जिसके ऊपर आप कंपोनेंट्स को एम्बेड कर सके। तो वो जो चीज होती है दैट इज नोन एज कंटेनर। कंटेनर क्या होता है, कंटेनर के ऊपर कंपोनेंट्स एम्बेड होते हैं एंड दे प्रोवाइड एन ऑब्जेक्ट और GUI एप्लीकेशन। कंटेनर्स दो तरीके से बनते हैं विंडोज फॉर्म में। विंडो में भी दो तरीके की चीजें आती हैं, वन इज फ्रेम एंड डायलॉग। ठीक है, फ्रेम के लिए जे फ्रेम यूज करते हैं जब हम क्लासेस, ये दीज आर द क्लासेस जे फ्रेम, जे डायलॉग, जे कंपोनेंट्स, जे टेक्स्ट, कॉम्बो बॉक्स, लेबल। आपको किसी भी टेक्स्ट बॉक्स, सपोज करिए आपको यूजर पासवर्ड डालते हैं आप लॉगिन पेज पे, तो यूजर नेम जो लिखा होता है दैट इज लेबल एंड जो उसके सामने आप बॉक्स होता है दैट इज नोन एज टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स में भी फील्ड्स हैं, जे फील्ड्स, जे एरिया। तो ये कंपोनेंट्स हैं, ये सारे कंपोनेंट्स हैं, ये सारे कंटेनर पे एम्बेड होते हैं एंड दे विल बिकम अ GUI एप्लीकेशन। ठीक है, तो दिस इज द डायग्राम। अब हमने सारे कंपोनेंट्स देख लिए हैं, सारी हायरार्की देख ली है। अब हम ये देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन जावा एब्स्ट्रैक्ट विजिट टूलकिट एंड जावा स्विंग। ये ओल्डर वर्जन है एंड दिस इज द न्यूअर वर्जन। इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करके जावा स्विंग बनाया गया है। फर्स्ट वन इज AWT कंपोनेंट्स आर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट एंड दिस इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। वॉट एवर द प्लेटफॉर्म यू आर यूजिंग, तो जावा AWT के कॉम्पोनेंट्स रन नहीं करते हैं क्योंकि ये डिपेंडेंट होते हैं किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे। ये जावा प्लेटफॉर्म पे यूज होंगे। दे कैन बी यूज फ्रॉम जावा टू अनदर लैंग्वेजेस और प्लेटफॉर्म। सेकेंड इज हैवी वेट कंपोनेंट्स एंड दिस इज लाइट वेट कंपोनेंट्स, मीन्स दे टेक मोर कोडिंग लाइन ऑफ कोड्स एंड मेमोरी इन देयर कोडिंग ऑफ कंपोनेंट्स। ये लाइट वेट के होते हैं, मीन्स लाइन ऑफ कोड्स कम हो चुके हैं ऑलरेडी एंड ये मेमोरी भी ऑक्यूपाई कम करते हैं। लेस कंपोनेंट्स AWT टूल किट में ये इनिशियल था तो इसमें कुछ कम कंपोनेंट्स थे, पर स्विंग में बहुत ज्यादा पावरफुल कंपोनेंट्स हैं लाइक टेबल्स, लिस्ट, स्क्रोल पेन्स, कलर चूजर्स, etc. फोर्थ वन डजंट सपोर्ट MVC आर्किटेक्चर। AWT MVC आर्किटेक्चर को सपोर्ट नहीं करता था, वहीं स्विंग सपोर्ट्स MVC आर्किटेक्चर। अब हम पढ़ते हैं व्हाट डू यू मीन बाय MVC आर्किटेक्चर। MVC आर्किटेक्चर में सिंपल एक डायग्राम आपको याद करना है कि दिस इज द यूजर। जब भी कोई GUI की एप्लीकेशन बनती है वो यूजर क्या करता है, सबसे पहले कंट्रोलर फेस से इंटरेक्ट करता है, यही चीज यूज करता है। अब कंट्रोलर पे कुछ इनपुट देना है या आउटपुट लेना है तो कंट्रोलर क्या करता है, यूजर से वो इनपुट लेता है एंड देन इट मैनिपुलेट्स। तो ये मॉडल जो है वो डेटा, जितना भी यूजर ने डेटा इनपुट किया है या उस एप्लीकेशन का डेटा है उसमें सारा मैनिपुलेशन करता है। मॉडल क्या करता है, सारे डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करके उसको अपडेट करता है एंड देन व्यू पे अपलोड करता है, एम्बेड करता है। व्यू क्या है, व्यू रिफ्लेक्ट करता है जो यूजर को उस GUI एप्लीकेशन में दिखता है कि क्या चेंजेस होके व्यू पार्ट ने दिखाया। तो दिस इज
व्हाट मॉडल दैट रिप्रेजेंट्स द डेटा फॉर द एप्लीकेशन, मतलब ये डेटा को स्टोर करता है उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है मॉडल. व्यू क्या करता है, व्यू इज अ सिंपल विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट डेटा जो यूजर देख सकता है. एंड कंट्रोलर दैट टेक्स यूजर इनपुट एंड ट्रांसलेट दैट टू चेंजेस इन द मॉडल, मतलब कोई भी यूजर से इनपुट लिया, उसका मैनिपुलेशन किया, उसको मॉडल पे इम्बेड किया एंड देन रिफ्लेक्ट्स एट द व्यू. तो कंट्रोलर यूजर से इंटरेक्ट करता है, व्यू सिर्फ यूजर को दिखता है एंड मॉडल में प्रोसेसिंग होती है. तो दिस इज ऑल ओवर अबाउट एमवीसी आर्किटेक्चर जो कि स्विंग सपोर्ट करता है. थैंक यू. अब नेक्स्ट वाले वीडियोज में हम इनके ऊपर एक दो प्रोग्राम्स और करके देखेंगे. थैंक यू सो मच.